ये थाने आना पड़ रहा है, क्या आज हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है अभी? एक्चुअली क्या है कि मेरी आज पत्रकार वार्ता की, मैंने पत्रकारों से आग्रह किया था तो सागर इंटरनेशनल होटल में पत्रकार वार्ता के लिए हम गए हुए थे। अब ये सब सारे कार्यकर्ता दुखी थे, दो तीन दिनों से ये दुखी थे और आज इन्होंने तय किया आपस में कि जाके हम लोग भी त्यागपत्र दे देते हैं कि अगर आप जैसे आदमी को अगर पार्टी से निष्कासित किया जा सकता तो हम लोग की कोई वैल्यू नहीं। तो हम उधर सागर इंटरनेशनल होटल में 1 बजे का टाइम था पत्रकार वार्ता का, वहाँ हम बैठे थे, उन लोगों का इंतजार कर रहे थे और ये आगे कार्यालय कार्यालय में आए तो एक एक पन्ना हाथ में लेके त्यागपत्र का लेके पहुँचे कि भाई हमारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए। वहाँ पे कोई त्यागपत्र लिया नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, ये सारे लड़के नारे लगा रहे थे। कहीं से फोन गया होगा पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने 2 कार्यकर्ताओं को यहाँ बहन को तोड़ लिया है और बस से जो लड़के आए थे उन बस वालों को सहित बिननगर थाने ले गए। हम ये पूछना चाहते हैं उनका अपराध क्या है, अपने ही कार्यालय में अपने ही कार्यकर्ता अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर कहाँ जाएं? क्या लग रहा है? एक दोष ये भी एक लगाया गया हम लोग के ऊपर कि ये सब कोई वोटर नहीं है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रमाण है कि ये बूथ के अध्यक्ष भी हैं, कोई मंडल के SC मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है, कोई पिछड़ा मोर्चा का है, कोई किसान मोर्चा का है, ये सारे कहीं ना कहीं से पदाधिकारी हैं चाहे बूथ के ही सही। और हम आज अभी मतलब 17 तारीख तक इनसे रात दिन काम लिए हैं और आज हम थाने में बैठा है, इस तरह का बिहेव कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है। पार्टी के दबाव में काम कर रही क्या पुलिस? पार्टी के दबाव नहीं, सिर्फ राम सुमिरन गुप्ता जी के दबाव में ये काम किया गया है। अब क्या करेंगे, अगला कदम? इतनी महान पार्टी में ऐसे अध्यक्ष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। मुझे तो कष्ट ये है कि यहाँ पे जितने स्थापित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पता नहीं क्यों मूक दर्शक बने बैठे हैं, जबकि सब प्रताड़ित हैं और सबका नंबर आना है, सब कष्ट में है, उसके बावजूद मूक दर्शक बन के बैठे हैं। मेरे को सबको, किसी को लोकसभा टिकट चाहिए, किसी को आगे जिला अध्यक्ष बनना है, किसी को महापौर का टिकट चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए यही पूंजी है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, मैं इनके साथ जीऊंगा, इन्हीं के साथ मरूंगा। अभी क्या कार्यक्रम, क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए कार्यकर्ताओं की जिससे गिरफ्तारी हुई है, नहीं छोड़ते हैं, क्या करेंगे? नहीं छोड़ेंगे तो हम यहीं रहेंगे, हम सब यहीं रहेंगे तब तक जब तक इन्हें छोड़ा नहीं जाता। कितने कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए पहुंचे? 200 कार्यकर्ता। राम सुमिरन पे आप आरोप लगा रहे हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधियों पर संलिप्त थे। बिल्कुल। किस तरह संलिप्त थे? एक उदाहरण आपके सामने देता हूँ। सिंगरौली मंडल में उनका गृह निवास है, सिंगरौली मंडल के 11 वार्ड आते हैं, वहाँ पे सेक्टर मोरबा के अंतर्गत पूरा चुनाव संचालन हो रहा था। चुनाव के बीच में, मैं 9 तारीख तक 10 तारीख तक की बात कर रहा हूँ, 1 सेकेंड के लिए भी सेक्टर कार्यालय में जिला अध्यक्ष पहुँचे नहीं, किसी भी पदाधिकारी से उन्होंने फ़ोन पर बात नहीं की, प्रचार सामग्री सेक्टर कार्यालय में पहुंच नहीं रही है। बूथ अध्यक्ष की संरचना पर भाजपा चुनाव लड़ती है, बूथ अध्यक्षों को बोरी पहुंचा दी गई, वो अपने घर से निकल नहीं रहे, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिला अध्यक्ष वहीं के निवासी एक भी दिन प्रत्याशी के साथ मार्केट घूमे होते? पूरे सिंगरौली विधानसभा में कितने दिन जिला अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ दिखे? तो इसके परिणाम भी, जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो भी दिखेगा क्या इसमें? बहुत बड़ा जनाधार उनका है नहीं, लेकिन दायित्व में है, जिम्मेवार पद पे हैं, तो उनको कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहना चाहिए, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ मन से ईमानदारी से खड़ा रहना चाहिए। जीत हार अपनी जगह, लेकिन हमारा कर्तव्य जो है, हम जिस दायित्व में हैं उस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए।